नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है और इस भाग में कुल मिलाकर 24 अनुच्छेद शामिल है। परंतु दोस्तों, मैं इनमें से कुछ गिने चुने ही अनुच्छेद को लेकर आया हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर आप केवल इतने को भी पढ़ लेते हैं तब भी इनमें से कोई एक आर्टिकल आपके एग्जाम में जरूर फंसेगा, अगर वो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा तो। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 15, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव। धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव, अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। इसी को हम गांधी जी का अनुच्छेद भी कहते हैं क्योंकि ये गांधी जी के सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। दोस्तों, अनुच्छेद 19A से 19G, यानी कि 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बी में क्या है? बिना हथियार सम्मेलन, सम्मेलन की स्वतंत्रता। सी में क्या है? संगम या दल बनाने की स्वतंत्रता। डी में क्या है? अबाध भ्रमण, यानी कि आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। फिर ई क्या है? ए बी सी डी। डी हो गया, ई हमारा क्या होगा? अनुच्छेद 19 ई में है, भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। आप सभी जानते हैं कि एफ, जो कि हमारा संपत्ति की स्वतंत्रता था, संपत्ति का अधिकार था, उसको हम उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, हटा दिया गया है। अब हमारा आगे आता है 19G। 19G में भारत में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों, अगला हमारा है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23, बलात्श्रम, यानी कि बलपूर्वक आप किसी से काम नहीं करा सकते हैं जब तक कि उसका मन न हो। आप बलपूर्वक काम नहीं करा सकते हैं। बलाश्रम का मतलब यह भी है कि आप उसको काम कराकर, किसी भी मजदूर को काम कराकर बदले में उसकी और उसका मेहनताना अगर आप नहीं देते हैं तो भी वो किस अनुच्छेद में है? बलाश्रम में। अनुच्छेद 24, बाल श्रम, क्या है? बाल श्रम पर रोक। अनुच्छेद 25, धर्मों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। आप चाहे जिस धर्म के हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम धर्म के हो, चाहे हिंदू धर्म के हो, आपको अपने धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है संविधान के तहत। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 32, संविधान के उपचारों का, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी को संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो दोस्तों, ये रहे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको, आप याद करने को 2400 अनुच्छेद याद कर सकते हैं, पर यकीन मानिए, अगर आपने इतना भी पढ़ लिया तो इसके बाहर से कहीं नहीं जाने वाला है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।